हारून आबाद से खबर शामिल करते हैं। आलम मुबल्लिग इस्लाम मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई की जिना स्टेडियम हारून आबाद में आमद। मजलिस हसन अहलियान हारून आबाद और सियासी समाजी शख्सियात की तरफ से मुबल्लिग इस्लाम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आलम मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई की हारून आबाद में मजलिस हसन की दावत पर जिना स्टेडियम हारून आबाद में आमद हुई, जिसमें उलमाए कराम नात खान साहिबान और सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीरजादा मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई ने बयान करते हुए कहा कि हमें हुजूर अकरम की तमाम तरह की जो तालीमात हैं उन पर अमल पैरा होने की जरूरत है। मखलूके खुदा और रसूल अकरम की उम्मत मुस्लिमा से हम सब की मोहब्बत मिसाली होनी चाहिए, तब ही हम अपने आप को गुलाम मुस्तफा कहलवाने के हकदार होंगे। आखिर में उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के सलामती इस्तेहकाम और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मजलिस हसन की तरफ से बजरिया कुरान दाजी चार खुशनसीब अफराद में उम्र के टिकट तकसीम किए गए, जबकि शहर की मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन ग्रुप वाइटल ग्रुप के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन साहब की तरफ से 20 उलमाए कराम को फ्री उमरा करवाने का ऐलान भी किया गया। मकामी पुलिस और खुफिया इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के फूल परूफ इंतजाम किए गए थे।